हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कमेंट के अंदर उस वीडियो के बारे में, जो कि है हाउ टू एडिट योर वीडियो ऑन काइनमास्टर। अपनी काइनमास्टर पे वीडियो को एडिट कैसे करें। तो बेसिकली मुझे नहीं पता आप उसे कैसे प्रोनाउंस करते हो, काइनमास्टर, लेकिन मैं उसे काइनमास्टर बोलता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो की शुरुआत में पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पहले तो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मुझे ऐप ने, ना ही मुझे आईफोन वगैरह किसी भी चीज ने मुझे स्पॉन्सर है, किसी भी साइट ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। और ये लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ट्यूटोरियल बता दूं कि कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। और वैसे मैंने एक वीडियो डाल दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे बेस्ट पेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं एडिटिंग के लिए वीडियो और फ्री सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो उन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक बार एक वीडियो एडिटिंग के लिए भी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने VN यूज किया था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आप वो भी एक बार चेक कर लें। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, और अगर आप फोन पे वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप भी शायद बिगिनर होंगे, तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि काइनमास्टर पे आप अपनी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग 5 मेन स्टेप्स होते हैं एक बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए, उसके बाद भी आप बहुत एडवांस चीजें कर सकते हो, लेकिन 5 जो है वो मस्ट हैव है या बेसिक हैं स्टेप्स जो आपको जरूर आनी चाहिए, और मैं काइनमास्टर में आपको वही समझाऊंगा। जिसमें फर्स्ट है इनिशियल स्टेप्स, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको मीडिया इंपोर्ट करना है, कैसे कुछ पोर्शंस को कट करना है, कैसे वीडियो को स्लो डाउन करना है, कैसे म्यूजिक ऐड करना है, ये सब वगैरह जो इनिशियल चीजें होती हैं। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कैसे कलर ग्रेड या कलर करेक्ट कर सकते हैं। वैसे देखिए, मोबाइल की फुटेज को हम बेसिकली हम कलर करेक्ट ही करते हैं, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के लिए अगर आपने अच्छी करनी है तो किसी प्रोफेशनल कैमरे से लाइक 10 बिट वगैरह होनी चाहिए। तो मैं आपको कलर ग्रेडिंग या उसे कलर करेक्शन जो मर्जी कह सकते हैं दूसरे स्टेप में आपको वो बताऊंगा। तीसरा स्टेप मेरे अकॉर्डिंग है उसके अंदर ट्रांजिशन लगाना। अब ट्रांजिशन बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आपको कोई चीज दिखानी है, मतलब ट्रांजिशन बहुत ज्यादा मदद करते हैं आपको वीडियो आउटस्टैंडिंग के लिए। थर्ड स्टेप में मैं उसके बारे में बात करूंगा। फोर्थ है टाइटल्स के बारे में, अगर आपको इंट्रो बना रहे हैं या वीडियो में टाइटल्स देना चाहते हैं तो टाइटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके वीडियो को थोड़ा एंगेजिंग बनाते हैं और आपके लिए काफी मस्ट है। लास्ट है एक्सपोर्ट के बारे में। अब एक्सपोर्ट सेटिंग भी बहुत ज्यादा मेन होती है, ताकि आपने अच्छे से वीडियो एडिट कर ली लेकिन आप उसे अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं करोगे हाई क्वालिटी में, तो आप उसे अच्छा से अपलोड भी नहीं कर पाओगे, तो उसके ये बात करेंगे। ये है 5 मेन स्टेप। इसके बाद और भी स्टेप आते हैं, लाइक आप कैसे इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ओवरलेज वगैरह, लेकिन पहले हम बेसिक की बात करेंगे, उनके बाद थोड़ी बाद में करेंगे। तो वीडियो में मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ये चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बेसिकली मैंने काइनमास्टर डाउनलोड करने लगा ऐप स्टोर पे, तो 2 काइनमास्टर दिखाए, तो मैंने न्यू वाला डाउनलोड किया जो मेरे अकॉर्डिंग था, बाकी दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैं काइनमास्टर बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, तो मैंने सोचा अभी से डाउनलोड कर लूं जब उसका ट्यूटोरियल बनाना ही है। तो जब मैंने ऐप स्टोर पर डाला तो 2 काइनमास्टर थे, तो जो न्यू वाला था मैंने डाउनलोड किया, और मेरा मानना है कि सिमिलर ही होंगे दोनों। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम खोलेंगे काइनमास्टर को, और जैसे आप काइनमास्टर को खोलोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ काइनमास्टर, कुछ और बन गया है, तो काइनमास्टर ट्यूटोरियल। उसके बाद आप एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको ठीक लग रही है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 16:9 क्रिएट करते हैं यूट्यूब के लिए, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने रील्स बनानी है या कुछ भी बनानी है। तो सबसे पहले ये आपसे परमिशन मांगेगा, ताकि आपकी ये फोटोज वगैरह को इम्पोर्ट कर सके, तो आपको अलाउ करना है उसको। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का लेआउट आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये बहुत ही सिंपल सा लेआउट है। तो सबसे पहले हम करते हैं मीडिया को इम्पोर्ट। सबसे पहले हम जाते हैं तो एल्बम आ जाएगी, आप ऑल भी देख सकते हैं। तो मैंने काइनमास्टर की एक स्पेशल एक पहले एल्बम बना रखी है जिससे मैं वीडियो इंपोर्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट कर लेता हूं। तो देखिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग जितनी मेरे को लगता था कि क्लिप की जरूरत है सब इंपोर्ट कर ली है। अब वो टाइमलाइन पे आपको शो हो जाएगी, और आप टाइमलाइन को टाइमलाइन ही से बोलते हैं जैसे अभी देख पा रहे हैं। तो जैसे आप टाइमलाइन पे या अपने वीडियोस पे क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे तरीके के ऑप्शन निकल के आएंगे। तो सबसे पहले जैसे आप क्या क्या चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ इनिशियल स्टेप हैं, उसमें सबसे पहले हैं जैसे आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 60 FPS में शूट कर रखी है, तो मैं इसे स्लो भी कर सकता हूं। अब मैंने 50% स्लो करूंगा, अगर 30 FPS का प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो 0.5 करूंगा। ये देखिए थोड़ी स्लो हो गई, अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड दिखाऊं तो वो इतनी थी।
इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो इस तरह की आपको जितना जितना चाहिए, जैसे आप कट कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ से मैं कट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कट भी कर सकता हूँ, पीड वगैरह सब कुछ, मतलब आपको जो इनिशियल स्टेप्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है इम्पोर्ट करना। अब लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि म्यूजिक कैसे इम्पोर्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका डाउनलोड म्यूजिक है, सपोज मैं अपने फाइल्स वाले फोल्डर में जाता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। लाइक जैसे ये गाना मैंने करना है, तो इस गाने पे क्लिक करके जब मैं एरो के ऊपर दबाऊंगा तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगा काइन मास्टर का। तो जैसे मैं काइन मास्टर पे जाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं, जब मैं ऑडियो सेक्शन पे जाऊंगा तो इंटरनल नाम का एक फोल्डर आ रहा होगा। आप इंटरनल वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपने जो इम्पोर्ट किया है आपको वो देखने को मिल जाएगा। प्लस करिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है ये इस तरीके से। तो ये है इम्पोर्ट करने के लिए। बाकी जैसे मैंने बताया, अपने अकॉर्डिंग आप स्प्लिट वगैरह कर सकते हैं, तो मैं वही करता हूँ ताकि एक तरह की मैं अच्छी क्लिप बना सकूँ। उसके साथ साथ सबसे पहले हम कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमें चाहिए। सपोज कट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दो आपको एंड दिखा रहा होगा किसी भी वीडियो क्लिप के, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे पकड़ कर अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया अगर आपको कटिंग के बारे में सीखना है, मतलब कैसे ट्रिम वगैरह करनी है, तो याद रखिए जो आपका म्यूजिक है आपको उसके हिसाब से ट्रिम करना है। ये सबसे बढ़िया चीज है कि आप उसके हिसाब से इसे ट्रिम करिए। तो मैं वही करता हूं। अब ये टाइमलाइन को आप चौड़ा या छोटा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर कट एक प्रिसाइज कट देने के लिए, तो मैं वही कर रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि कहां पे वीडियो कट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्प्लिट कर लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक चेंज हो रहा था। अब इस वाली क्लिप को मैं कर दूंगा डिलीट, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट जैसे कैसा आएगा। तो जहां जहां पे म्यूजिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैं क्या करूंगा वहां वहां से स्प्लिट कर लूंगा ताकि मैं अपने बीट के अकॉर्डिंग इसे वो कर पाऊं। तो अभी मैं वही प्रोसेस चलाता हूँ। तो ये है हमारी सबसे इनिशियल प्रोसेस। तो मैं यहाँ तक ही बनाऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा फिर लंबी वीडियो बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम दिखाना पड़ेगा। तो एक तरह से इंट्रो टाइप लगा लीजिए, मैं जो आपको काइन मास्टर पे एडिट करके दिखाऊंगा। तो ये है सबसे पहला प्रोसेस जो आपको करना है, कट वगैरह इम्पोर्ट वगैरह जैसे मैंने इनिशियल स्टेप आपको इनिशियली बताए थे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं इनकी करूंगा कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन जो भी आप कह सकते हैं। तो मैं ज्यादा हैवी कलर करेक्शन तो नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल DSLR से नहीं है, और अगर आप बिगिनर है तो आपके पास भी कोई इतनी ज्यादा हैवी फुटेज नहीं होगी लाइक 10 बिट 422, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो आप उसे भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब कलर ग्रेडिंग का कोई मेथड नहीं है, हर किसी की अपने पर्सनल चॉइस होती है कि जिस तरह के वो कलर देखना पसंद करता है या जिस तरीके से वो एडिट करने पसंद करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरीके से कर लो तो आपकी हमेशा फुटेज अच्छी आएगी, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यह सबकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बस वो करते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस क्लिप की मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक तो ऑटोमेटिक फिल्टर भी आ रहा है, लेकिन मैं फिल्टर पर डिपेंडेंट नहीं करता, फिल्टर लगा के भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लुक डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको कोई अच्छी लग रही है। इसके अंदर काफी सारे फिल्टर हैं लेकिन मैं कोई भी यूज नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग करें ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट लगे, क्योंकि वही तो एडिटिंग का सबसे मेन पार्ट है। तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट खोलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इतने सारे ऑप्शन निकल के आ चुके हैं। तो जैसे इस वीडियो में मुझे कोई कमी सी लग रही है तो मैं उसे थोड़ा चेंज करूंगा, जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़े और कलर होने चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सैचुरेशन ऐड कर देता हूँ और ये थोड़ा सा वाइब्रेंस कर देता हूँ। अब मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था वाइब्रेंस और सैचुरेशन में क्या फर्क होता है। सैचुरेशन ओवरऑल जो आपकी वीडियो है या कोई भी फोटो है उसके कलर्स बढ़ाती है, लेकिन अगर आप वाइब्रेंस की बात करेंगे तो वाइब्रेंस वो कलर उठाती है जो दबे हुए हैं। जैसे इसके केस में लगा लीजिए ब्लू थोड़े दबे हुए हैं और ये नीचे थोड़ा सा जो स्काई वगैरह के कलर हैं थोड़े दबे हुए हैं, तो जैसे जैसे मैं वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे एज कम्पेयर टू ओवरऑल इमेज। आप देख सकते हैं ये चीज, ये है वाइब्रेंस। और आप अपने अकॉर्डिंग करके ऐसे भी वीडियो को कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन वीडियो के कलर थोड़े कम रखेंगे तो अच्छा ही लगता है। तो जैसे ये
मैंने एडजस्ट कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़े से वार्म कलर हैं या थोड़े से कोल्ड कलर हैं तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो ब्लू ब्लू सी होती जाएगी, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो येलो येलो सी। इसको वैसे तभी छेड़ना अगर आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत लग रही है, जैसे मुझे फुटेज परफेक्ट सी लग रही है तो मैं जीरो पे रखता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आइडियल है। इसके बाद आप हाईलाइट्स भी है। अब हाईलाइट्स को बढ़ाने से क्या होता है कि अगर कोई ओवर एक्सपोज का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा ब्राइट जगह आ चुकी है वीडियो के अंदर, आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं हाईलाइट्स को घटाऊंगा तो देख सकते हैं आप इस तरीके से थोड़ी सी ब्राइटनेस घट जाएगी, ताकि ये आप तभी यूज करें अगर आपकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा अगर ब्राइट आ गई है तो उसको कम हाईलाइट्स को आप कम करके किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये आप तभी यूज करें, वैसे आम कंडीशन में आपको इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कलर ग्रेडिंग के प्रोसेस। अब ऐसे कर करके मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो को कलर ग्रेड करता हूँ तो धीरे धीरे करके। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो आप उसको जैसे चाहें कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इन तीन चीजों को कहूंगा आपको यूज करें इनिशियली। उसके बाद जैसे जैसे आप एडवांस हो जाएंगे तो आप और चीजों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही चीज है जो आपको एक प्रोफेशनल लेवल के लिए अगर आपको चाहिए थोड़े से ट्वीक देने हैं तो उसके लिए है। लेकिन अगर आप बहुत प्रोफेशनल है, आप कोई लाइक बहुत ज्यादा कोई हैवी लॉग में वीडियो शूट करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको हैवीली एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि हर तरीके से हर वीडियो की कलर करेक्शन करना शुरू करता हूं। जैसे मुझे थोड़ी सी ओवर एक्सपोज लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकता हूँ, ये देखिए आप। लेकिन मुझे थोड़ी सी बस इतनी ठीक लग रही है, थोड़ी सी हाइलाइट्स मैंने कम कर दी है ताकि थोड़ा सा शेडो में लुक सी आ जाए, जैसे मुझे दिख जाए थोड़ा सा। और उसके बाद ये आती है हमारी लास्ट क्लिप और आप देख सकते हैं मैंने अपनी तरफ से कलर ग्रेडिंग कर दी है। अब जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी से कलर ग्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांजिशन डालना। तो आप देखेंगे ये जो क्लिप है इनके बीच में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की ट्रांजिशन डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है और ये देखिए इतनी सारी ट्रांजिशन खुल के आ जाएंगी। अब ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी ट्रांजिशन देखना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी जो मुझे ठीक लगती है वो कोशिश करूंगा जी। जैसे ये भी है, ये तो थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटिक सी होगी, जैसे ये है, फन ट्रांजिशंस हैं जैसे ये, तो मतलब बहुत तरह की ट्रांजिशन यहाँ पर मौजूद हैं इसके अंदर। तो मैं थोड़ी सी वैसे तो बेसिक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए वैसे आप किसी भी तरह की ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक दिल वाली टाइप अगर आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी ना मतलब सिनेमैटिक नहीं लगती। हाँ आपके फनी वीडियो बना रहे हो तो आप अच्छी कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ करो, लेकिन मुझे पर्सनली ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा वैसे तो पसंद ही नहीं है, लेकिन अगर मैं डालता भी हूँ तो थोड़ी ऐसी डालता हूँ जो थोड़ी सी अच्छी लगे। तो अभी आपको जो अच्छी लग रही है आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी है, मैं चला के देखता हूँ एक बार कैसी लग रही है म्यूज़िक के साथ। मुझे ठीक लगी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लग रही है। तो मैं तो करके देखता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया सी और मतलब लगा के देखता हूँ डिफरेंट। अगला स्टेप है इसके अंदर आपको टाइटल्स डालना। तो अब हम डालते हैं टाइटल्स। यहाँ पे आपको लेयर पे जाना है, लेयर पे आपको टेक्स्ट का सिंबल मिल जाएगा जिससे आप टाइटल्स डाल सकते हैं, तो आप टाइटल्स डालने हैं। तो जैसे मैं डालता हूँ डिस्कवरिंग नियर बाय प्रेजेंट्स, ताकि ये इंट्रो सा लगे, तो ये डाल दिया मैंने। अब ये किस तरीके से आएगा उसके भी आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने मिल जाएंगे। इन है, आउट है, ओवरऑल एनिमेशन क्या रहेगा, जैसे इन एनिमेशन ये होगा, जैसे ये फेड कर सकता हूँ मैं इसे, और आउट एनिमेशन भी मैं फेड डाल सकता हूँ। अब ये इस तरीके से दिखेगा अगर आपको वीडियो में देखोगे। तो इस तरह के बहुत सारे एनिमेशन हैं, ओवरऑल एनिमेशन भी आप डाल सकते हैं, जैसे फ्लिकर ऐसे फ्लिक करता रहेगा जब तक ये रहेगा, पल्स भी डाल सकते हैं, ब्लिंक शो भी देख सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे मैं कुछ नहीं डालूंगा, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा इन और आउट एनिमेशन डिजाइन कर लूंगा। और आप अलग तरह के काफी तरह के टेक्स्ट के फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिससे आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब लाइक जो आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, वो कलर हो जाएगा। लेकिन वाइट मुझे हिसाब से सबसे बढ़िया लगता है, तो हम वाइट पे ही रहेंगे। जैसे ये वीडियो टिम्बर ट्रेल की है तो मैं टिम्बर ट्रेल डालता हूँ। और जैसे मैंने शुरुआत में टाइटल डाला है तो आप देख सकते हैं मुझे डिस्कवरी नियर बाय थोड़ा सा ऊपर, मतलब बीच में स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इनकी स्पेस भी कम कर सकता हूँ।
जैसे ऐसे, ताकि थोड़ा सा जेन्युइन सा लगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अब ये सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ पर आप एक बटन देखेंगे एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको करना है, इससे पहले तो हाई पे कर लेना है। अब ये वीडियो मेरी 4K में शूट हुई है तो मैं 4K का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लूँगा। फुल HD में है तो फुल HD में कर सकते हैं। मेरी जैसे 4K में थी, मैं 4K में कर रहा हूँ। और मुझे करना है फ्रेम रेट सेलेक्ट, अपने अकॉर्डिंग मतलब आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव एज ए वीडियो करना पड़ेगा। तो ये आपसे पूछेगा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपने वो आइकन रिमूव करना है, लेकिन जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है इसकी, तो मैं ऐसे ही एक्सपोर्ट करूँगा इसे। और ये है फाइनल रिजल्ट। और इसके बाद आप वीडियो में इफेक्ट भी डाल सकते हैं, आप जिस तरह के इफेक्ट डालना चाहे। मैंने एक और वीडियो डाली थी, और वैसे इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ओवरले वगैरह के। अगर आप लाइक ओवरले वगैरह डालना चाहते हैं अपनी वीडियो में, अगर आप देखेंगे लेयर, तो इफेक्ट वगैरह इसमें भी काफी हैं, लाइक बेसिक इफेक्ट्स वगैरह जैसे ये। तो इस तरह के काफी इफेक्ट्स इसमें भी हैं, अगर आप चाहें तो बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर डाला था जिसमें मुझे लगता है सबसे बढ़िया इफेक्ट है, तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना। वहां पे आप अच्छे से इफेक्ट डाल सकते हो, आपने पुराने लुक देना है। अब ये मैंने बिल्कुल बेसिक से एडिटिंग करी थी, ये मैंने एक रैंडमली गाना मतलब उठाया था और देखिए आपके लिए एडिट किया। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, बीट के साथ सिंक किया और साथ ही साथ कुछ जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो फॉलो किया। तो आपको यही सब करना है। और वीडियो एडिटिंग का कोई भी एक ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप बहुत तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि अपने काइन मास्टर पर कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। अब जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं एकदम से आपको रिप्लाई कर दूंगा, मतलब जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आपको। बाकी अगर आपके और भी कोई सजेशन है जिसके बारे में आप ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं उसके लिए भी वीडियो बना लूं। और जैसे मैंने बताया, मैं कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हैं अपनी वीडियो में, लाइक रील्स वगैरह के लिए वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, उसे कैसे यूज करना है मैंने ये भी बताया था, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रील्स वील्स को एडिट करना ही बता दो, यूट्यूब की वीडियो को एडिट करना ही बता दो अच्छे से, तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।